तो अभी हम सिग्नल पे खड़े हैं और आपको सिग्नल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जो कैमरे लगे ना उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये है ना गाइस, बहुत हाइट छोटी है और खासकर गले मंडी और जो मुंबई वार्ड में जो मूर्ति बैठी है ना गाइस वो बहुत ही बड़ी है, तो उनको स्पेशली प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा गाइस, बट टुवाली बीच नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाना कहाँ है वो बताता हूँ मैं आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग हजीरा पोर्ट पे आ गए, आप ये मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही बड़ा गेट है, आर्सेलो मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड यहाँ पर कंपनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, सभी को जय श्री राम और गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस आज से खाली बप्पा को हमारे पास रहने के लिए 2 दिन बचे और बप्पा अपने मम्मी पप्पा के पास चले जाएंगे। और अभी गाइस मैं आ चुका हूँ ये स्टार बाजार मतलब अड़ाजन, अभी मैं आपको सिक्वेंस वाइज दिखाऊंगा कि कैसे आपको रूट फॉलो करना है बप्पा के विसर्जन के लिए हजीरा के लिए। तो ठीक है, देखिए ये स्टार बाजार है और बहुत गणपति यहाँ से ऊपर से भी जाती है और बहुत ही गणपति यहाँ से नीचे से भी जाती है। तो गाइज मैं ये वीडियो है ना सिक्वेंस बाई रहेगी, स्टेप टू स्टेप बाई रहेगी, आपको सब बताऊंगा कैसे क्या आता है और हम लोग हजीरा जा रहे हैं वहाँ पर क्या तैयारी है क्रेन की, वो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। ठीक है, तो गाइज ब्लॉग को पूरा देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप अच्छा पार्ट है ना जो मिसिंग कर दोगे। आज हो गई है गाइज 15 तारीख ना, और 16 और 17 को बप्पा जी हमारे से अलविदा लेकर चले जाएंगे उनके उनके घर पर, तो बहुत ही दुख लग रहा है गाइज। मतलब जो हम लोग ने वीडियो बनाना चालू किया था ना, जो उल्लास, जो राड़ा था, जो पब्लिक का गाइस कहाँ कहाँ आगमन में भाई, इधर उधर किधर किधर से कॉल आया, तो हम जिसके मतलब गणपति बप्पा की शूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह इम्पॉसिबल नहीं है जाना गाइस, इसलिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। ठीक है, आज मेरे साथ आ गया प्रशांत और उसका भाई शैलेश, तो अभी हम जाएंगे धीरे धीरे और आपको सब दिखाऊंगा कैसे क्या आता है, कौन से मोड़ पे क्या आता है और कौन से मोड़ से आपको मुड़ना है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज। ठीक है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस आओ व्लॉग को शुरू करते, तो दोस्तों आप स्टेज स्टार बाजार से आगे हो गए ना गाइस, ये फुट और ब्रिज है ना, ये गाइस बड़े बड़े जो गणपति है ना उनको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये है ना गाइस, बहुत हाइट छोटी है और खासकर गले मंडी और जो मुंबई वार्ड में जो मूर्ति बैठी है ना गाइस वो बहुत ही बड़ी है, तो उनको स्पेशली प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा गाइस, ये गाइस सर्विस रोड है ना, इधर से आ जाओ और साथ में हो सके तो कटर मशीन भी लेके आओ झाड़ काटने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम झाड़ भी दे सकता है, तो आपको झाड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्ति है ना, थोड़ा सा भी मतलब आना नहीं चाहिए झाड़ बीच में, वरना गाइस मूर्ति को टाइम लगेगा। और आपको जैसे पता है ना गाइस सूरत में बहुत मूर्तियां हैं, तो गाइस जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप हजीरा पहुंच जाओ और आपका भव्य सा विसर्जन हो जाए। ठीक है, अभी आगे जाके मैं ना स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाऊंगा, कहाँ कहीं प्रॉब्लम आने वाली है और कहीं से आपको रास्ता जो चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको सब इस वीडियो में देखने मिलेगा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों अभी हम सिग्नल पे खड़े और आपको सिग्नल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जो कैमरे लगे ना उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपकी जो मूर्ति ना गाइस बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए वो सिग्नल का प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और प्रॉपर आपको मूर्ति को धीरे 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 आगे ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है पाल आरटीओ चौकड़ी। ठीक है, ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, पाल आरटीओ चौकड़ी बोलते हैं, यहाँ से गाइस थोड़ा सा मेन चालू होता है और इसके आगे हजीरा का जो मतलब हाईवे ना वो चालू होता है, तो मैं भी आगे जाऊंगा और आपको शूट बाय शूट दिखाऊंगा। ठीक है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों अभी हम आगे इच्छापुर की चौकड़ी पर, इसको देख सकते हो ना, ये मेरे पीछे ब्रिज है, मतलब ये एक हाईवे ही है, नेशनल हाईवे, हाईवे का मतलब वो मुझे नंबर नहीं पता, नंबर 8 है या 10 है वो मुझे नहीं पता। तो गाइस यहाँ पर है ना दो तरफ से आ सकते हो, एक मतलब ये सीधा सीधा जो पुल जाता है ना वो गाइस वीआर मॉल की तरफ जाता है, तो आप वहाँ से भी अगर आपको गणपति बप्पा लाना है तो वहाँ से भी आप लेकर ये देखो ये ब्रिज पर चढ़ाकर ब्रिज उतारना पड़ेगा। और दोस्तों जो भी बड़े गणपति है ना, मैं उसको उनको बोल रहा हूँ कि ये इच्छापुर के पास आओगे ना, यहाँ पर है ना बहुत उबड़ खाबड़ रोड है गाइस, तो जितना भी हो ना जो मंडल वाले गणपति के साथ ही रहो, क्योंकि गणपति को सपोर्ट आप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर सपोर्ट, आपको सहारा देना पड़ेगा। ये ना गाइस इधर है ना बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है। ठीक है, अभी इधर से गाइस
हजीरा 20 किलोमीटर है और, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे और आगे का आपको ब्लॉग में पता चलेगा। गणपति बप्पा मोर। तो हमको है ना यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से होगा गाइस हजीरा तो भी 19 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम मोरा टेकड़ा की चौकड़ी पर आ गए, यहाँ से गाइस सुवाली बीच भी रहता है, बट सुवाली बीच नहीं जाना है। जाना कहाँ है वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखो ये टर्न है ना गाइस, यहाँ से बड़ी बड़ी ऐसी गणपति आएगी ना, यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है यहाँ पर। ये मेरे पीछे देख सकते हो ना, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर पोर्ट आएगा हजीरा पोर्ट। तो आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है, यहाँ से आप जाओगे ना गाइस, ये सुवाली बीच का रास्ता है। सुवाली बीच पर गणपति बापा विसर्जन नहीं होते है, होते हैं हजीरा पोर्ट पर ही गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो ना गाइस, ये हाईवे ही है और ये जितनी भी गाड़ी जा रहे है ना हजीरा के पोर्ट के उधर जा रहे, और वहाँ हजीरा पोर्ट है ही है, और वहाँ पर गाइस वह बिगेस्ट गैस की कंपनी भी है, इसलिए वहाँ भी लोग मतलब काम करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा ट्रक है ना वहाँ भी जाता है, ठीक है। अभी हम आगे जाके आपको वीडियो बताएंगे, ठीक है। गणपति बप्पा मोर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारा देश का तिरंगा ऐसे ही लहराएगा और हमेशा ऐसे ही लहराते रहेगा। और ये गाइस रिलायंस कंपनी है, ठीक है। किसकी? मुकेश अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी अनंत अंबानी की कंपनी है। भाई मैं बोलना चाहता हूँ इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जियो का रिचार्ज यार कम करवा दे भाई। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए एयरटेल निप्पॉन स्टील के जो गेट पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना भीड़ चालू हो गई है ट्रकों की अभी से, और जब गणपति आएगी ना गाइस 2 दिन के बाद, तो ये रास्ता है ना गाइस 5-6 किलोमीटर तक गणपति रहते। तो है ना जो भी मंडल को है ना गाइस धीरे धीरे टाइम लग सकता है। ये देखिए मेरा भी नंबर आया, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे, ठीक है। ये आगे निप्पॉन स्टील जो है ना गेट है, अभी आगे चल के और वीडियो बताता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग हजीरा पोर्ट पे आ गए। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही बड़ा गेट है, आर्सेलो मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड यहाँ पर कंपनी है। और ये देखिए गाइस मेरे बाजू में, ये देखिए गाइस ये यहाँ पर है ना हजीरा पोर्ट है, और यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे और आपको पूरी शूट करके आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। और यहाँ पर गाइस पुलिस का जो पुलिस बंदोबस्त है यहाँ पर कड़ा है, यहाँ पर देख सकते हो गुजरात की पुलिस है मेरे पीछे। और यहाँ से गाइस धीरे धीरे गणपतियों को आगे लेके जाएगा। यहाँ पर गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन रहती है ना गाइस, तो वक्त लगता है, ठीक है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और शूट करके आपको दिखाएंगे गणपति बप्पा मोर। दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्रेन कहाँ से लगती है गाइस, यहाँ से गाइस 10 या 11 क्रेन रहती है यहाँ से लाइन से, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ ही बड़े बड़े गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। यहाँ से अगर क्रेन ऐसे उठाती है बप्पा को और वहाँ पर विसर्जन करते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे पोर्ट है गाइस, ठीक है। और ये मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हो ना बड़ा निप्पॉन स्टील का जो गेट है, और वहाँ पर अभी थोड़ी बहुत तैयारी चालू है, क्रेन है ना गाइस कल आएगी, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि आपको सब कुछ पता रहे, ठीक है, ये ब्लॉग देखकर। क्योंकि गाइस पानी तो बहुत ही ज़्यादा है, तो विसर्जन को तो बहुत ही मज़ा आएगी, और बप्पा का विसर्जन वो भी प्यारा होगा और बहुत ही भव्य होगा, और बहुत ही गहरा पानी है तो बप्पा का विसर्जन बहुत ही भव्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि है ना गाइस धूप की वजह से ना वीडियो काला आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ये पत्थर का सहारा लेके बैठ गया हूँ। और अभी हम आगे है गाइस हजीरा पोर्ट पे, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पीछे भाई दिखा ना थोड़ा सा, ये गाइस हजीरा पोर्ट है, और यहाँ पे बड़ी से लेके छोटी बोट चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस SMC वाले की तरफ से यहाँ पर पूरा कड़ा बंदोबस्त हो रहा है, यहाँ पर कैमरे भी लग रहे हैं और ये ना बड़ी बड़ी लाइटिंग भी लग रहे हैं, क्योंकि पूरी रात भर विसर्जन चलते रहेगा और अगले दिन सुबह तक विसर्जन चलते रहेगा, शाम के 5-6-7 बजे तक, ठीक है। मतलब रात होने वाली 2 दिन विसर्जन होता है यहाँ पर, ठीक है। और गुजरात मतलब गुजरात से यहाँ पर सूरत में पुलिस आई है, पूरे गुजरात से, क्योंकि कुछ लफड़ा हुआ था ना इसलिए पुलिस आई है। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइस, जो भी मंडल आएगा ना पहले, तो वो पहले आगे जो एंट्री करेगा मंडल का, फिर उनको अंदर भेजेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी है ना मतलब यहाँ पर अभी मतलब खुला है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्दी होने वाली है, और धीरे धीरे आपके मंडल की जो मूर्ति लेंगे, यहाँ पर 10 से अधिक क्रेन लगने वाले, जैसे लाइटिंग भी अभी लग गई है, और क्रेन जो है ना वो कल लगने वाले, ठीक है। यहाँ पर एक दिन पहले विसर्जन के पहले क्रेन यहाँ पर सब सेटअप हो जाती है, बहुत बिगेस्ट क्रेन रहती है, क्योंकि हमारे पप्पा भी तो बिगेस्ट है ना, इसलिए बिगेस्ट क्रेन लगती है, ठीक है। और अपने पप्पा का प्यारा विसर्जन हो जाए,
तो गाइस फटाफट निकलो क्योंकि अगले को भी टाइम देना है, क्योंकि ठीक है। और जैसे कि पप्पा का जैसे रहता है ना अटैचमेंट, उसको वेल्डिंग पाइप से मतलब पाइप काटना पड़ता है, फिर क्रेन है ना उनको ऐसे बराबर जो बेल्ट रहता है ऐसा पकड़ कर बेल्ट में ऐसा लेकर है ना पप्पा का ऐसा इधर विसर्जन करती है। तो यहाँ पर भर्ती आती है और जितनी भी मूर्तियाँ रहती ना इधर से भर्ती जब समुंदर में भर्ती आती ना फिर ज़्यादा पानी घेरा और इधर इधर तक आ जाता है गाइस, इधर तक ये देखिए यहाँ तक आ जाता है पानी। फिर पप्पा को ना वो भर्ती के बाद अंदर ले जाते हैं मतलब गहरे समुंदर में और पप्पा का प्यारा विसर्जन हो जाता है, ठीक है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो ना गाइस, ये हजीरा कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है हजीरा, ठीक है, गैस की कंपनी है। यहाँ गैस शायद रिड्यूस होता है मतलब बनता है, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ ब्लॉग में आपको देखने मिला होगा। प्रशांत उधर है और मैं यहाँ पर शूट करने आया हूँ। इधर है ना गाइस किसी का अलाउड नहीं है, बट मैं थोड़ा सा चुपके से आया हूँ और शूट कर रहा हूँ, ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ। और फटाफट हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और पप्पा के बाद हम लोग है ना एक प्यारी प्यारी सी ब्लॉग भी आपको देंगे, उसको भी लाइक करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी हम भी घर की ओर चले गए, यहाँ पर बहुत टाइम हो गया। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।